संक्रमण में हुई फिर टेस्टिंग की कमी। 36 की बलि तो वहीं जिले में मरने वालों की संख्या पहुंची 2398 पर। फिलहाल जिले में 10,206 एक्टिव केसेस। सीपीएम अमितेश कुमार ने लिया सेफ एंड स्मार्ट सिटी कामों का जायजा। अब सीसीटीवी कैमरों की मदद से पकड़े जा रहे हैं अपराधी। कृषि पंपों के लिए किसान संगठनों व जनप्रतिनिधियों द्वारा दिन में बिजली देने की मांग पर संज्ञान लेते हुए ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने दी राहत की खबरें। कहा 25,000 किसानों को दिन भर मिलेगी बिजली। मेडिकल प्रवेश में विभागीय कोटा रद्द करने की चुनौती। हाईकोर्ट का राज्य सरकार को दिया गया नोटिस। विधानसभा उपचुनाव में अब राज्य की जिम्मेदारी सुनील केदार पर। मध्य प्रदेश उपचुनाव पर सफलता दिलाने को दी गई जिम्मेदारी। नागपुर एक बार फिर बन रहा है सेक्स रैकेट का हब। ऑनलाइन सेक्स रैकेट का हुआ भंडाफोड़। पुलिस ने मुंबई और दिल्ली से आई दो महिलाओं को गिरफ्तार। सलून की आड़ में चल रहे देह व्यापार का सामाजिक सुरक्षा विभाग ने किया भंडाफोड़। महिला दलाल सहित 5 युवतियों को किया गया गिरफ्तार। लड़कियों पर अत्याचार के मामले में नागपुर पहुंचा 10वें पायदान पर। अब सरकारी कार्यालयों में भी ठेका पद्धति से की जाएगी कर्मचारियों की भर्ती। और आज यानी कि 6 अक्टूबर से पॉलिटेक्निक के पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। तो वहीं होंगी 9 से एडमिशन।